देंगे, वो पहले से आवेदन तैयार रखता है, वो हमला भी करता है और सबसे पहले थाना पर जाकर के वो FIR दर्ज करता है। वो नहीं होता है, जज के नीचे सहमा है, जज के नीचे से हाथ डाल करके जज देखता रहता है और नीचे से रुपया आ जाता है। पेशकार साहब नीचे से ले लेते हैं, अधिकारी कह रहे थे निकल लिए सीओ साहब, हमको ताजपुर में इससे अदावत चल रही है, गरीबों के सवाल पर टकराव चल रहा है, इसीलिए हम जान करके छुप के बैठे हुए थे कि मेरा चेहरा देखने के बाद ही असहज हो जाते हैं, इनको बड़ी समस्या हो जाती है, और इसीलिए मैंने चैलेंज के साथ कहा, मैं जो चीज कहा अपना अनुभव से कहा, लेकिन एक बार और आप लोगों को शुक्रिया करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आज उपस्थित होने के लिए बधाई देते हुए कि चले थे अकेले जानवे गालिब, चले थे अकेले जानवे गालिब, लोग आते गए कारवा बनता गया, लोग आते गए और कारवा बनता गया। आप निश्चित तौर पर मानवाधिकार के अवसर पर आपने कारवा बनाने का काम किया है, लोगों को पढ़ाने का काम किया है, लोगों को समझाने का काम किया है, संविधान को बचाने का काम किया है, संविधान में प्रदत्त अधिकारों को और भी आगे बढ़ाने का काम किया है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में आप और डेवलप होइए, मेरा सहयोग रहेगा। आज भी मिथिलेश भाई जानते हैं, सगीर भाई जानते हैं कि मुझे आप जहां भी जरूरत में बुलाएंगे, चाहे थाना हो, हॉस्पिटल हो या कोई क्षेत्र हो, आप जहां भी कहेंगे मैं समय निकाल कर आपके बीच रहता हूँ, ये वादा है ह्यूमन राइट डे पर आपके बीच रहूंगा, और जहां भी ह्यूमन राइट का वायलेशन हो, मैं सदन में नहीं हूं लेकिन मैं सड़क पर हूं, मैं ये वादा करता हूं ह्यूमन राइट डे पर कि जहां भी ह्यूमन अधिकार का वायलेशन होगा, सबसे अग्रिम पंक्ति में गोलियों के बाद छोड़ के भी आप हमें पाएंगे। इनका आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।